बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। TLSC वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन ट्यूटोरियल सेशन। लेट्स जॉइन हैंड्स टू दिस न्यू टेक्नोलॉजी एंड अशर इनटू द न्यू प्रोग्रेसिव इरा। द लर्निंग स्कूल विशेज अ वेरी ब्राइट एंड फ्रूटफुल एकेडमिक वीक टू ऑल ऑफ यू। Week 7, Grade 1, Sections A, B, Subject is Science, Unit number 4, Topic Plants, page number 27 and 28. Let's start with lecture number 18. Recap of previous lectures. Names of body parts. Draw a circle around the things which you can smell. Draw the body part for following senses. Make group of things according to living and non-living. Learning objectives of this lesson. Students will be able to learn about एक plant को grow करने के लिए किन different चीज़ों की ज़रूरत होती है. Number 2, plants की different kinds होती है, shapes होती है and size होती है. नंबर 3, प्लांट्स हमें फूड, शेड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। ड्रिल वर्ड्स ऑफ दिस लेक्चर। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। क्रीपर्स रिंगने को कहते हैं, यानी कि कुछ बेल्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करती हैं, वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करती, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स जिंदा चीज़ें। क्लिम्ब अप ऊपर को चढ़ना। सॉइल अर्थ की सरफेस की जो टॉप लेयर होती है जिसके ऊपर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं उसको सॉइल कहते हैं। लाइट का मतलब होता है मुहैया करना। सनलाइट सूरज की रोशनी। वेजिटेबल्स सब्जियां। एयर हवा। वाटर पानी। काइंड्स इकसाम को कहते हैं। शेड साया। शेल्टर पनागा। डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स क्या हैं? ये लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि ये ग्रो करते हैं। अब एक प्लांट को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक प्लांट को बेस्ट ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है और सॉइल की ज़रूरत होती है। सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल जो होती है ये अर्थ की टॉप सरफेस लेयर होती है, ठीक है, जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, इसे हम सॉइल कहते हैं। अब देखिए प्लांट्स जो होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, ठीक है। प्लांट्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं वो टॉल होते हैं, जैसे ये इन्होंने दिखाया हुआ है। कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्रीपर्स होते हैं। जो क्रीपर्स होते हैं ये ज़मीन के अलोंग ही ग्रो करते हैं, ठीक है। ये इनकी तरह ऊपर को ग्रो नहीं करते, ये ग्राउंड के साथ ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्लिम्बर्स होते हैं। क्लिम्बर्स क्या होते हैं? जो या तो वॉल के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर अगर हम उन्हें कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके ऊपर क्लिम्ब अप करके ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं वो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। इस तरह ये देखें प्लांट्स जो हैं इनकी डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट इनकी शेप्स और इनके साइज भी डिफरेंट हैं। उसके अलावा उन्होंने पूछा हुआ है हाउ मैनी प्लांट्स कैन यू थिंक ऑफ विच गिव अस फ्रूट, यानी कि कितने प्लांट्स हैं जो हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं जो आपको लगता है कि जिनसे हम फ्लावर्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। या आप एक गार्डन का विजिट करेंगे उसके अंदर आपको वो प्लांट्स भी मिल जाएंगे जो कि हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। आप वो प्लांट्स भी देख सकेंगे जिनसे हम जस्ट फ्लावर्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं हम उनसे फ्रूट्स भी हासिल करते हैं और वेजिटेबल्स भी हासिल करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इन दोनों को फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं? ये हमें शेड भी प्रोवाइड करते हैं और हमें शेल्टर भी देते हैं, ठीक है।